बागार्थं विव संप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हे दिव्यात्मन, मनरे शांति, हृदयरे भक्ति, जीवन जीवार शक्ति, यार मूलमंत्र नाम तो विश्वास। आउ से विश्वासर परिधिरे दिव्यवाणीर ये दिव्य अगणा को आपण मानक स्वागत। स्वागतर वार्ता आज दिव्यवाणी, एक सुंदर कहानी, एक सुंदर प्रसंग। से प्रसंग हुए तो समस्त कष्टसाध्य हो पारे, या को समस्ते आपणे नहीं नपारती, किंतु जानिबार आवश्यकता अच्छे। कहीं ये प्रसंग पर स्वयं भगवान आर्यावर्तर श्रेष्ठ पुरुष भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद भगवत गीतार उदाहरण खोजला बेले मात्र गोटे उदाहरण रे चुप रही, गोटे उदाहरण। एत बड़ संसार भितर चाहते चारि पांचटा उदाहरण दे पारि थांते, किंतु मिली नहांती लोक, गोटे उदाहरण रे प्रभु चुप। तेणु से ये कथाटा निश्चित कष्टसाध्य। कौन ना मन संयम, मन होची एमितिका इंद्रिय, एमितिका वेगवान इंद्रिय, जहाँ को संयम करिबा बा जहाँ को निज आयताधीन करिबा बड़ कष्टकर व्यापार। ये मनर गति हुए तो आज सुपरसोनिक जेट विमान गति ठारु आहुरी वेगशील बा गतिशील। विज्ञान भी ये मनर गति पाखरे हार मानिछे। आ ये मनर गति संपर्क जानिबा को हेले आमको आश्रय नेबा को पड़िबो गोटे सुंदर कहानी उपरे। से दिन गोटे गुरुकुल आश्रम, से गुरुकुल आश्रम रे शिष्य मानंक गहन रे बसी महर्षि कामपाल। कहानी सुंदर कहानी, मन देकर श्रवण करंतु। महर्षि कामपाल बसीला बेले शिष्य को बुझेले, कहले शुण, मन होची सकल बंधनर कारण। एक कथा कही सारा परे कहले, जदि सबु त्याग करी जने व्यक्ति जाहिकरी अरण्य रे बसिकरी तपस्या करे सिद्धि लाभ करिबा पाई बा जोगारूढ़ हबा पाई बा जोग शक्ति लाभ करिबा पाई, तथापि जदि ता मन उपरे तार संयमता नाही, तेबे जोग शक्ति सिद्धि ए सब वृथा। एक कथा कही सारा परे हुए तो गोटे उदाहरण नेले, कौठु ना श्रीमद भगवत गीता। कहले, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतेष्णु सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो हो। यार अर्थ हो या कहले, जीवन रे जी मन उपरे विजय प्राप्त करी तापाई शीत उष्ण थंडा गरम हानि लाभ भल मंद सुख दुख मान अपमान ये सबू तापाई समान, पथर सुवर्ण ये सब सामान तापाई किसी फरक रहे। गरम अनुभूति थंडार अनुभूति से जापारे, हानि लाभ उपर तापाखे किसी फरक रहे, सुख दुख तापाखे सब सामान, पथर आ सुवर्ण दीटार मूल्य आकाश पाताल तफात फरक अच्छी, किंतु से पथरटा को भी सुवर्ण ज्ञान करें, सुवर्ण को भी पथर ज्ञान करें। ये हूँ मन उपरे संयमता लाभ करिथिबा व्यक्तिर व्यक्तित्व। एक कथाटा सिना कहिदेले किंतु शिष्यंक मनकु कथाटा पाइलानि। शिष्य पचारले गुरुदेवंक पाखरे, काहे ना शिष्यर अधिकार अछि गुरुंकु प्रश्न पचारि पारिबो, गुरुंक पाखरु संदेह विमोचन करि पारिबो। जदि संदेह विमोचन नहला तबे शिष्यर शिष्यत्व भूल, आ जदि संदेह विमोचन न करि पारले गुरुर गुरुत्व मध्य भूल। किंतु आउ गोटे पक्ष को जदि देखती, जदि जाणीकि निजे जाणीवा कार्य को गुरु पाखर पचारिकी गुरु को परीक्षा करे शिष्य, सेटा संसार आहुरी बड़ भूल। निजे जाणीकि गुरु को परीक्षा करार शिष्य संसार उचित शिष्य नुहे, तेणु निजर संदेह को विमोचन करुवा शिष्य ही उचित शिष्य। शिष्य मैंने हाथ जोड़ पचारे, हे गुरुदेव, जदि एक कथाटा सत, प्रकृतरे कौन ये संसार रे मन संयमी व्यक्ति अच्छा? गुरुदेव उत्तर देले,
कहले अच्छा कि नहांती जदि पचार ये सन्देह जदि विमोचन करने को चाहच तेरे गोटाए उदाहरण दौची शुण कहले कौन ना कर्मन्यवा हिष स्थिति मा स्थिति जनकादय कौन बुझिले कहले कर्मन्यवा हिष स्थिति मा स्थिति जनकादय भगवान श्रीकृष्ण मुख निसृत बाणी जदि श्रीमद भगवत गीता हुए जदि आम कहूँ यांग स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रुता सर्वशास्त्र मयि गीता सर्ववेदमय मनु भगवान श्रीकृष्ण जदि निजे कही गीता से भी गीतार कथाकार भाव ये प्रभु कही कर्म आ मन उपरे संयम लाभ करिथिबा व्यक्ति मानंक भितरे जनक होउछन्ति एकमात्र व्यक्ति गोटे उदाहरण केवल जनक माँ स्थिति जनकादय जनक भली आउ भली रे कहा ना आसी तो शिष्य मानंक मनरे स्वाभाविक जिज्ञासा जागिला कहले गुरुदेव जदि प्रकृतरे से जनक मन संयमी जदि से जनकंक पाखरे निर्लिप्तता अच्छी जदि से जनक आपणंक कहिबा अनुसार सुख दुख हानि लाभ भल मंद याकर फरक बुझंतिनि शीत उष्म गरम थंडार फरक जानंतिनि आमे थरे से जनक को देखंतेनि प्रकृतरे से जनक केमितिका जोगी केमितिका जोगसिद्ध पुरुष सतरे से जनक सेइभळि गुरु कहले ठीक अछि जदि चाहुच परीक्षा नहीं करी शिक्षार परीक्षा नब बोली देखा चाहूँ जदि तुमको कथार विश्वास होम भाषा थिओरी रे विश्वास होदि तुम प्राक्टिकाली देखा चाहूँ इंग्राजी शब्द तबे चल परीक्षा करी देखने जवाक पड़ा कौटी की ना जनकपुरी जनकंक राजपुरी की जीवापाई शिष्य मानक नहीं गुरु गला बेले सांगरे अनेक हुए तो कथा वार्तालाप थिला जनकंक विषय अनेक बुझेले गुरु शिष्य मानक किंतु शिष्य मनरे से गोटे कथा गोटे सन्देह प्रकृत में मन संयमी जनक प्रकृत पाखे ये सब ज्ञान किसी ना ये सब पाखे तुच्छ कहीं भी सांसारिक व्यक्ति हेले ये सब चिंता चेतना भितर बुड़ाटा सत ही सत ये सब चिंता को मनरे नहीं से दिन जिते बड़े गुरु जा पहुँचिले कौटी ना जनकंक राजदरबार जनकंक राजदरबार में पहुँचीगला बेले प्रहरी रखी जगी बाट गुरु को देखला शिष्य मानक नहीं आसी गुरु कामपाल यथाशक्ति अभ्यर्थना देला त्रुटि करें कहीं आम संस्कृति बतईची अतिथि देवभव पितृ देवभव मातृ देवभव आचार्य देवभव तेणु सहज ये आचार्य पुणी अतिथि तेणु ये देवता नहींक्र यथाशक्ति सम्मान जड़े अतिथि भवन आपको श्रेयता दे बसई रखला गुरु जत पचारे आम जनकों सहित साक्षात करने को चाहूँ बोली प्रहरी जनक अनुनय विनय होकर उत्तर देला कहला हे गुरुदेव महाराज जोगरे जोगासन रे बा जोगाभीष्ट होकर बसी तेणु से जोगाभीष्ट आसन सरीगला परे बा से ध्यानस्थ आसन सरीगला परे निश्चित भाव महाराज आपन को साक्षात करिवे एथिरे तिलेमात्र द्विधा नाही संकोच नाही अवकाश मध्य नाही बा अवरोध मध्य ई चिंता चेतना भितर हुए तो बसीला बेले शिष्य मानक सहित कामपाल शिष्य मानक भितर आहुरी गोटे जिज्ञासा जगिला कौन जिज्ञासा ना सतरे जदि जनक जोगाभीष्ट सतरे जदि जनक जोगरे बसी से सिद्ध पुरुष को जोगरे बसीला बेले आम परीक्षा कर देखू जिते बता कहीदे गुरु कहले आरे आरे इमानंक मन भितर तो अनेक संदेह बढ़ीगला आश्चर्य हेले गुरु कहले एडे बड़ आस्पदा जनक भलिया महर्षि की जनक भलिया राजर्षि को इमाने परीक्षा करने को बाहर ठीक अच्छे से गुरु कठोर हेले कठिन हेले गुरु जत कठोर आ कठिन हवाक लगिले कहले ठीक अच्छे जनक को देखिब सत जाओ मु आदेश दौर जो भली परीक्षा करीबार अच्छी से भली परीक्षा करा जाई पारे
ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭୟବାଣୀ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି ଫେରିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ ଯୋଗାଭୀଷ୍ଟ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି ଜନକ, ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ, ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାମ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀ। ଦେଖି ଦେଇକରି ଫେରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଭୁଲ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବସିଛି, ବାମ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପତ୍ନୀ ବସିଛି, ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ନାରୀ, ଇଏ କି ଯୋଗ? ଗୁରୁ କହିଲେ ଓହୋ, ଏଇଆ ଦେଖିଲ ନା? ହଁ, ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା, ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର କୋଇଲା, ୟାକୁ ନେଇକରି ଜନକଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ତ ଥିଲା, ଡାହାଣ ହସ୍ତ, ତା ଉପରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଜନକ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କାମପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଲେଲିହାନ ଶିଖା ନେଇକରି ଜଳୁଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ତାପ, ଯାହାକି ହୁଏତ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଶରୀର ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ରହୁଥିବ ଶରୀରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଜନକ ଧ୍ୟାନବିଷ୍ଟ, ଯୋଗାଭିଷ୍ଟ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜନକ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ହେଲାନି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା, ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଜନକ ହାତକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିକରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ହୁଏତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଜନକଙ୍କୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ ଲମ୍ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଏଠି କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ମନ ସଂଯମ ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ସେ କଥା ଆମେ ମାନିଲୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା। ଏଠି ଗରମ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଲୁନି, ଏଠି କାମଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଲୁନି, ମନ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନିର୍ଲିପ୍ତତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିହୁଏ, ଏକଥା ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜନକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ କଥା କାମପାଳ ବତେଇଲେ, କହିଲେ ଏ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେହ, ୟାଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜନକ ଏକମାତ୍ର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମନ୍, ଆଜି ହୁଏତ ସମୟ ହେଲାଣି, ସମୟରେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମନ ପ୍ରତି ଯଥାଶକ୍ତି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମନ ଅନେକ କିଛି ବାଟକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍, ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରି ବିବେକର ବିଚାରରେ ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ଏକଥା ସତ, ସତ ଆଉ ସତ। ଆଉ ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଏଇଠୁ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।